आजीवन कारावास की सजा। मुजफ्फरनगर में पत्नी की हत्या के दोषी अभियुक्त पति को अदालत ने आजीवन कारावास और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वारदात के एक साल में ही न्यायालय का फैसला आया है। हत्यारा पति बीते एक साल से जेल में बंद है, जिसको जमानत नहीं मिली थी। फुगाना थाना क्षेत्र के एक गांव फतेहपुर खेड़ी निवासी मोहन सिंह ने यह मुकदमा कंकरोली थाने पर 9 जून 2018 को दर्ज कराया था। बताया था कि उसकी बेटी अमृता की शादी 10 वर्ष पहले गांव चोरवाला निवासी सुनील पुत्र करम सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद अमृता किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकी, जो कि घर में कलह का कारण बना और सुनील अमृता को बच्चा पैदा न करने का ताना मार मार कर उसके साथ मारपीट करता था। इसी कहर में सुनील ने अमृता को 8 जून 2018 को पानी में जहर मिलाकर उसे पिला दिया, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर हो गई और अमृता को मोरना PHC ले जाया गया। मगर अमृता की गंभीर हालत देखते हुए उसे जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीर नामक सिंह की अदालत संख्या 1 में हुई थी। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।